हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इसी स्टॉक के बारे में। स्टॉक का 52 वीक का हाई है 2859, 52 वीक का लो है 2043। क्वांटिटी आज ट्रेड हुई है 43,63,490, डिलीवरी क्वान्टिटी 28,84,091, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 66.10। कंपनी ने Q2 के रिजल्ट पोस्ट किए हैं और उसकी एक ये न्यूज है, जो डिविडेंड की एक्स डेट है वो 27th of October 2021 है। ये न्यूज है इस स्टॉक के बारे में। HUL स्टैंडअलोन September 2021 नेट सेल्स एट ₹12,724 करोड़। न्यूज अच्छी है इस स्टॉक के बारे में। YOY कंपैरिजन किया जाए तो 11.2% अप है। ये न्यूज जाके आप पढ़ सकते हैं। दूसरी एक न्यूज है, HUL Q2 रिव्यू, एनालिस्ट प्रेडिक्ट नियर टर्म हेडविंड्स एमिड रूरल डिमांड इन्फ्लेशन वरीज। कुछ एनालिस्ट की अपनी ओपिनियन है इस स्टॉक के बारे में। MK की ओपिनियन है होल्ड रेटिंग विद टारगेट ऑफ 2700 पर शेयर। एडलीवाइस की है 2960। मोतीलाल ओसवाल की है बाय रेटिंग। दौलत कैपिटल की है, टारगेट प्राइस इन्होंने दिया है 2890 पर शेयर। प्रभुदास लीलाधर, इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 2930। फिलिप कैपिटल, इन्होंने टारगेट दिया है इसका 3050। तो ये कुछ एनालिस्ट हैं जिन लोगों की अपनी ओपिनियन है, अपनी राय है इसी स्टॉक के बारे में। ये न्यूज़ जाके आप bloombergquin.com वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। मार्केट कैप की बात करेंगे, 5,98,394 करोड़ की है। डेट है 1129 करोड़ का। प्लेज परसेंटेज 0। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, लास्ट 3 क्वार्टर में प्रमोटर्स की 61.90 से 61.90 कॉन्स्टेंट है। FIIs की 14.95 से 15.45 बढ़ी है। DIIs की 10.68 से 10.48 थोड़ी कम हुई है। पब्लिक यानी रिटेलर्स की 12.47 से 12.17 कम हुई है। यह है इस स्टॉक का वनडे का चार्ट। वनडे के चार्ट में आ रहा है 26। ये है वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में आ रहा है 47। और ये है 1 आवर का चार्ट, 1 आवर के चार्ट में आ रहा है 25। ओवरऑल वीकली चार्ट छोड़ देते हैं, डेली और आर्ली चार्ट की बात करते हैं। तो RSI इस टाइम पे ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है। मैंने इस स्टॉक के बारे में ऑलरेडी दो पहले वीडियो बनाई थी, अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। इवन हम लोगों को HUL में डिविडेंड भी मिला उस टाइम पे, मोर देन 5% बुक भी किया। उसके बाद ये स्टॉक फिर वापस यहीं पे आया था 2318 के आसपास में। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई थी तो ये स्टॉक 2350 पे मैंने सबको दिया था, टारगेट भी अच्छे दिए थे, लोगों के टारगेट भी अचीव हुए थे। अभी फिर से ये स्टॉक, अगर ये देख पा रहे होगे, एक एम्पेटन बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो कुछ लोगों ने आज बाइंग की है, बट डोंट वरी, जहाँ पे आप लोगों ने बाइंग की है अच्छे लेवल पे बाइंग की होगी। लेकिन अभी इस स्टॉक में जो लोग ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टेड है, इन्वेस्ट रहिए। सबको पता है FMCG सेक्टर का ये दिग्गज शेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे भी बाइंग लेके बैठे हो, आप लेके बैठे रहिए। और ऐड करनी है क्वांटिटी, उनके लेवल अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो नीचे का सपोर्ट है ये 2450 के आसपास है। तो फर्स्ट सपोर्ट 2450, अगर 2450 नीचे इसने ब्रेक किया तो नीचे आएगा 2395, और नीचे ब्रेक कर दिया तो 2318। ये इसके तीनों नीचे सपोर्ट है, बाकी रेसिस्टेंस ऊपर बहुत सारे हैं। अगर किसी ने आज ये स्टॉक 2500, 2480 यहाँ पे बाय किया है, नीचे और क्वांटिटी आप धीरे धीरे ऐड करते रहिए। जो सपोर्ट मैंने बताया इन सपोर्ट्स पे आप ऐड कीजिए, आपका एक अच्छा एवरेज प्राइस हो जाएगा और यहाँ से आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज स्टॉक बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो होता क्या है, कभी भी किसी भी स्टॉक में रिजल्ट अच्छे आते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं ऊपर जाएगा, लेकिन सेलिंग प्रेशर आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, निकल जाते हैं। सेम आजकल मार्केट में ऐसे ही हो रहा है, प्रॉफिट लोग बुक कर रहे हैं, स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। जिनको प्रॉफिट लेना है वो प्रॉफिट लेके निकल चुके, जिनको अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है उनके लिए ये अच्छा मौका है HUL में। तो ऊपर के टारगेट्स अगर ये यहाँ पे कहीं भी सपोर्ट लेता है 2450 पे या 2395 पे या फिर 2318 पे, यहाँ से भी अगर ये ऊपर जाएगा, इसके ऊपर के टारगेट्स होंगे 2524, 2588, 2650 और 2743 के आसपास। फिर से वही, जो लोग लॉन्ग टर्म होराइजन में बैठे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी स्टॉक की मेरी बेस्ट एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।